अगर कौशल टेक्नो में आपका दोबारा से खैर मुकदम है। आज आपको इस ब्राउज़र के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर खोलना होगा और यहाँ पे लिखना होगा डक डक गो। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। ये मुझे सबसे अच्छा ब्राउज़र लगा है और यहाँ से आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करोगे। यहाँ पर आप देख लो सेटिंग एक दो करनी पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर तीन डॉट दाएँ साइड में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आप ये थीम को चेंज कर सकते हैं लाइट से डार्क में। आप अकाउंट सजेशन भी कर सकते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, और उसके बाद में आगे इसके आइकन भी चेंज कर सकते हैं। इसके थोड़े से आइकन अपनी है, आप चेंज आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आपने जो करना है प्राइवेसी के लिए, सबसे पहले ऑटोमेटिकली क्लियर कब करेगा वो नहीं करना है, टैब को क्लियर करना है या टैब और पूरे डाटा को क्लियर करना है, ये आपके ऊपर। उसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में क्लियर ऑन, कब इसको क्लियर करना है। क्लियर जैसे ऐप आप बंद करोगे वैसे क्लियर होना चाहिए, या उसके 5 मिनट बाद में बंद करना होना चाहिए, या 15 मिनट बाद में बंद होना चाहिए, या 30 मिनट बाद बंद होना चाहिए, पूरा का पूरा ख़त्म होना चाहिए खुद ब खुद ही। तो यहाँ पे आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद में ये आपकी सेटिंग हो गई। ये सेटिंग में आपको दूसरी, इसमें आपको मैं क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे गूगल क्रोम जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। जो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन मिलती है वो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। इतना ही फ़ायदा है इसमें कि इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में देखना है, आप उस लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो डब्बा बना हुआ बाएँ साइड में, ये यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, आपकी पूरी की पूरी वो जो आप वहाँ से गूगल प्ले, यूट्यूब वगैरह, ई मेल, जी मेल जो भी है, आप सब कुछ यहाँ से खोल सकते हैं। अभी आप यहाँ से आपको कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो खोल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं खोल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बीच में थोड़ी सेटिंग आती है, आप करनी है तो नहीं करनी है, वैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको क्रोम की ज़रूरत पड़ जाती है आप गूगल को डायरेक्टली यहीं से खोल दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको क्रोम मिलता है। अभी आपको मैं क्रोम खोल के दिखा देता हूँ कि क्रोम के बीच में मैंने क्लियर करके सब कुछ रखा था लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है यहाँ पे प्राइवेसी एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर कर रखा था। थीम आप थीम को चेंज कर सकते हैं डार्क में, लेकिन इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हिस्ट्री की है कि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री यहीं पे रख देता है, ये पूरी हिस्ट्री को डिलीट नहीं करता। मैंने यहाँ पर सेटिंग कर रखी थी, मैं आपको वो सेटिंग दिखा देता हूँ कि वो सेटिंग कहाँ पे। ये सेटिंग में जाने के बाद में आप प्राइवेसी में चले जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद में यहाँ पे आप ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा करेंगे। यहाँ पे मैंने चेक कर रखा है, लेकिन अभी मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। मेरी जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी हिस्ट्री वैसे की वैसे। कब से लास्ट रिसेट मैंने किया था मार्च में, तो तब से जितनी भी मैंने किए हुए पूरी, जितनी जो मैंने यहाँ पे सर्च किया वो पूरी की पूरी हिस्ट्री, अब यहाँ पे देख लीजिए मेरी पूरी की पूरी हिस्ट्री यहीं पे पड़ी हुई है। मैंने क्या क्या सर्च किया वो कब किया सर्च, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मैन्युअली कट करते, लेकिन इसमें आपको बार बार हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और बार बार कट करना पड़ेगा। वहाँ पर फ़ायदा ये है कि खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। यदि आपको ये चैनल, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस ब्राउज़र का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर और लाइक करना ना भूलें।